मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है, वजह क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे खान साहब से दूर कर दिया है। लाहौर में पेशी के बाद जहांगीर तरीन के शिकवे शिकायतें, पीटीआई से राहें जुदा करने की खबरों की तर्दीद, कहा 10 साल से पार्टी का हिस्सा हूं, मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। घर के बेदी ने अंदर की बात बता दी, पीटीआई रहनुमा राजा रयास कहते हैं पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन ने बनाई, इमरान खान के एतमाद का वोट लेने में भी अहम किरदार उन्हीं का है, वजीर आजम अपने बेहतरीन और जानिसार दोस्त के खिलाफ ज्यादती बंद कराएं। रूसी वजीर खारजा का अहम दौरा पाकिस्तान, दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि हम दो तरफा तिजारत के हुजम में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ नॉर्थ साउथ गैस मंसूबे के जल्द इनाकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद बोले, पाकिस्तान रूस के इश्तराक से इस वैक्सीन की मकामी सतह की तैयारी के पहलू पर गौर कर रहे हैं। पीडीएम की दिगर जमातें भी जल्द अपनी अपनी राहें लेती नजर आएंगी, मामून खसूसी फिरदौस आशिक अमान का तंज, कहा पीपल्स पार्टी के दिए गए जख्मों के बाद एएनपी की जुदाई ने जाली राजकुमारी और मौलाना का सोग तवील कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने का फैसला, उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मख्तस कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए 10 लाख से ज्यादा डोज खरीदेगी। कोरोना के जानलेवा हमलों में मुसलसल तेजी, मजीद 102 अफराद जान बहक, मस्बत केसेस 4000 से ज्यादा रिकॉर्ड, गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 9.60% रही। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौसमियात चौरंगी के करीब बैटरी की दुकान में धमाका, खातून और दो बच्चे जां बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी, पुलिस के मुताबिक धमाके में जां बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है।